थोड़ा अंदर आया हूँ तो राहत मिला है गाइस। शो चालू हो चुका है गाइस। तो गाइस तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:19 और हमारा एक शो है आदि पुरुष मूवी देखने का है। जैसे कि गाइस आप लोग को पता होगा मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो ये जो फिल्म है पूरी हिंदुत्व पे यानी उनकी जो रामायण है उनके ऊपर बेस्ड है। फिर भी मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि लोगों का काफ़ी वो है कि मूवी अच्छी है और ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो जो भी कैसा रिव्यू है एक मुस्लिम कम्युनिटी होने के लगे उस वजह से मैं आपको पूरा फुल रिव्यू दूंगा और मुझे क्या बेटर क्या गलत लगा वो सब बताऊंगा। तो अभी मैं चलता हूं और टाइम ज़्यादा हो गया है और हमारा 3:30 का शो देख सकते कितनी तेज़ धूप है। तो अभी हमें फटाफट चलना है और लोकल ट्रेन पकड़नी है, ज़्यादा नहीं एक ही स्टेशन के बाद आ जाएगा। नॉर्मली हमारे जो बाहर समझ सकते हो ना, जैसे कि मैं बाहर निकलता हूँ तो ज़्यादातर यही व्यू आपको मिलेगा क्योंकि यहीं से मैं ज़्यादातर आता जाता हूँ। तो अभी फटाफट स्टेशन पहुँचते हैं, काश फटाफट लोकल मिल जाए हमें, एक ही स्टेशन के बाद पहुँच जाएंगे। वो भी जा रहे हैं भारी सिनेमा है मराठा मंदिर, तो जल्दी जल्दी चलेंगे। इतनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। गाइस मैंने टिकट परचेज कर ली है। हमारी लोकल आ गई, ट्रेन क्रॉस हो रहा है। नथानी हाइट देख रहे ना गाइस, जस्ट थोड़ा सी इससे दूर है, ज़्यादा है नहीं। ऐसा ज़्यादा मत देखो, स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जाके जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है वो शायद मिस हो जाए। इधर आते ही मुंबई सेंट्रल स्टेशन के देख सकते हैं, ये व्यू है। यह मेल प्लेटफॉर्म है जहाँ से दूर दूर तक गाड़ियाँ जाती है, इलाहाबाद औरंगाबाद फैजाबाद अहमदाबाद। अभी फटाफट निकलते भाई, 3:30 हो गया, एक भी मिनट बाकी नहीं है, शो स्टार्ट हो चुका होगा। भाई अंदर से जाना पड़ता है, मैन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का, यहाँ ज़्यादातर पब्लिक वेट्स करती है। देख लो शेड्यूल नहीं हुआ इनका ट्रेन का, इधर से जा रही है तेजस राजधानी। तो अभी फटाफट निकलते वहाँ, ठीक है बाहर निकल चुका हूँ मैं स्टेशन के और मैं ज़्यादा जल्दी में लग रहा हूँ आपको, वजह है कि शो छूट जाएगा, पैसे पूरे देंगे बट देख नहीं पाएंगे सीन, तो काफ़ी हाइप है मूवी की। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा। एक छोटा सा गार्डन ये है दूध वाला भी। हमारे यहाँ नॉर्मली दूध वाले साइकिल से आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोर व्हीलर में हो जाएंगे, बट ये देखिए यहाँ के दूध वाले बिल्डिंगें बना रहे हैं। फेस पे देखिए कितना ज़्यादा पसीना है क्योंकि ये दौड़ने से ज़्यादा हुआ है, गर्मी से कम हुआ है। तो अभी पहुँच चुके हैं नागपाड़ा पुलिस, चल रही है लाइट वगैरह देख सकते हो, इधर शूटिंग चल रही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मराठा मंदिर, तो आदि पुरुष का ये अभी ये सजाया जा रहा है क्योंकि इधर पे कोई आ रहा है प्रोमो के लिए। हाँ भाई एक नंबर सजा रहा है, इधर की सजावट हो रही है। अभी मैं कुछ ले लेता हूँ खाने के लिए, भूख लगा गाइस, जल्दी जल्दी में मैं एकदम जस्ट चला आया हूँ तो कुछ ले लेता हूँ, थोड़ा अंदर आया हूँ तो राहत मिला है। गाइस शो चालू हो चुका है गाइस। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई,
बेसिकली गाइस देखकर अभी जस्ट बाहर निकला हूँ। अभी जो भी कैसा भी जो भी रिव्यू है मैं जाके आपको बाद में दूंगा। जैसे कि गाइस बता दूं आपको, ये फिल्म ज़्यादा हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है और जो भी जैसा भी सीन इसमें मैं देखा हूँ गाइस, मेरे लिए कुछ ऐसी जो मैं पहले से देखा हुआ था सीरियल में थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे, बट जो चीज़ दिखाई है इन लोगों ने उसका भाई क्या बॉलीवुड वालों ने क्या किया इसके साथ मैं बताऊंगा आपको। अभी पहुंचने दो, अभी लेट हो रहा हूं मैं। अभी दोबारा जाएंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उधर से फिर दोबारा लेंगे हम ट्रेन और जाएंगे ग्रैंड रोड की तरफ। From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your... तो गाइस रिव्यू की बात करें तो मूवी अच्छी है, बट एज अ मुस्लिम मैं ये बोलना चाहूँगा कि कास्ट कोई ख़राब ही नहीं है, बट जो डायरेक्टर या जो भी मेकर्स हैं या एडिटर्स हैं तो उनको थोड़ा और अच्छा काम करना चाहिए था। बाकी एक्टिंग में तो कृति सेनन और प्रभास की एक्टिंग अच्छी है। आई नो प्रभास को हम लोग जानते हैं पहले भी मूवी से, तो काफ़ी अच्छा है वो। बट एज अ मुस्लिम मैं जो बोलता हूँ कि मूवी ऐसी बननी चाहिए बट बन नहीं पाई। तो गाइस जो मैं सोच रहा था बट यही था, मैं सोचा कुछ ज़्यादा बोलूं लेकिन ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होगा क्योंकि विवाद में फंसी हुई है मूवी, तो मेरा बोलना कुछ वो नहीं बनता है क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट नहीं बनाता हूं। बट इतना जो मुझे जैसा लगा कि मेरा पैसा नहीं वेस्ट गया, पैसा वेस्ट नहीं गया गाइस, आई एम एंजॉय फिल्म अच्छी थी। तो मेरा बस इतना ही, 5 स्टार में से मैं 3.5 देना चाहूँगा। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस।